सालों से जॉनसन एंड जॉनसन बेबी इंडिया के 80% बच्चों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ये रियल स्टोरी है जो कि आपको भी पता होना ही चाहिए। 1999 में डार्लिंग कोकर जो कि एक अमेरिकन सिटीजन थी, उसे कैंसर हो गया जो कि उसके लंग्स तक फैल गया था। और इस कैंसर के होने का कारण था एस्बेस्टोस नाम का केमिकल था, जो कि सिर्फ माइंस में ही पाई जाती है। लेकिन डार्लिंग तो एक मसाज स्कूल चलाती थी, तो डार्लिंग इस केमिकल के कॉन्टेक्ट में कैसे आई, इसको जानने के लिए डार्लिंग ने एक लॉयर को हायर किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कैंसर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट से हुआ, जिसे डार्लिंग डेली यूज करती थी। इसके बाद डार्लिंग ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पर केस फाइल कर दिया। इनफैक्ट 1970 से जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पर ऑल ओवर वर्ल्ड में 11,700 से भी ज्यादा केस चल रहे हैं। इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट 70-80% मार्केट शेयर होल्ड करती है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, इसी कैंसर की वजह से यूएसए और यूके जैसे बड़े कंट्री में इस बेबी प्रोडक्ट्स को बैन कर रखा। और फाइनली 2023 में इंडियन गवर्नमेंट इस बेबी प्रोडक्ट्स को इंडिया में बैन कर देगी। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ 48,000 केसेस फाइल होने के बाद और कैंसर से डेथ होने के बाद। और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।